तो दोस्तों हम लोग बढ़ते बढ़ते नौवे पार्ट में आ चुके हैं और आज हम तरंग गति, आवर्तकाल, आवृत्ति, चाल, तरंग दैर्ध्य में संबंध देखेंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगों को देखेंगे। ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आसान है। तो भाई वीडियो लाया हूं मैं, आप कह चुके हैं स्वतंत्र गुप्ता, नौवा पार्ट है सीरीज का। और आई होप आपने पिछले वीडियोस देख लिए, नहीं देखे तो जाके जरूर देखो। वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर करो। इसके अलावा आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की, लाइक यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, बीपीएससी। और इसके लिए आपको करना है हमारा चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज सब्सक्राइब। हमारे पेड कोर्सेज भी चल रहे हैं विच आर डेडिकेटेड टू ऑल सिविल सर्विसेज एग्जाम। आप अपर, लोअर और प्रीलिम्स प्लस मेंस तक की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अभी हमारे यूपीपीएससी प्रीलिम्स में 100 से ज्यादा लोगों का सिलेक्शन हुआ है, हमने अपना रिजल्ट शेयर किया हुआ है हमारे पेज स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, आप जाके देख सकते हैं। आपकी जो भी क्वेरीज हैं रिगार्डिंग कोर्सेज तो आप इस नंबर पे कॉल करके ले सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए कल हमने संवहन देखा था, कन्वेक्शन क्या है, ऊर्जा संवहन, लेंस वगैरह भी देखा हमने, तापमान को देखा जहां पे हमने बात करी 0 डिग्री सेल्सियस पे, केल्विन पे 273, सी प्लस 273, इन सारी चीजों को हमने कल समझा था, ठीक है, कि केल्विन में कैसे चेंज करते हैं। उसके बाद हम धीरे धीरे आए, हमने माइनस में भी देखा कि परम शून्य तापमान केल्विन पर 0 डिग्री केल्विन जबकि सेल्सियस स्केल पर -273.15 डिग्री सेल्सियस पर परिभाषित किया जाता है। और हमने ये देखा कि स्वचालित इंजनों में एथिलीन ग्लाइकोल का प्रयोग हिमरोधी के रूप में किया जाता है, जिससे कि उसमें जो ऑयल होता है वो जमता नहीं है। फिर हमने डला हुआ लोहा, आपका एंटीमनी, बिस्मथ, पीतल आदि को गलने में आयतन से कुटते हैं की बात करी। हमने फ्रिज में बात करी क्यों क्यों उसमें लाइक उसमें डिह्यूमिडिफिकेशन क्या होता है, जिसे हम आर्द्रता नाशक कहते हैं। फिर हमने ब्लैक होल देखा, ब्लैक होल से रिलेटेड चीजें समझी, रिसेंटली न्यूज में बहुत ज्यादा था तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप जहाँ पे ब्लैक होल की बात करी जाए। जैसे कि आप ये भी जान लीजिए कि इसको हिंदी में कृष्ण छिद्र कहते हैं, ठीक है, और ये इतना प्रबल होता है कि इसमें कोई भी द्रव यहाँ तक की प्रकाश भी नहीं कर पाता। तो ये सारी चीजें हमने कल देखी। फिर हम धीरे धीरे जब आगे बढ़े तो हमने धातु को गर्म करने पर समझा कि उसका प्रसार होता है। जैसे हमने नली का एग्जाम्पल लिया था, मैंने आपको प्लास्टिक की नली का एग्जाम्पल दिया था कि अगर आप उसको गर्म पानी में डाल दें तो मैंने आपको चीज समझाई थी कि हाँ ऐसा होता है कि वो फैलने लगती है। फिर हमने शीशे की छड़ की बात करी, एयर कंडीशन में बात करी, मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछा था कि एयर कंडीशन में कौन सी गैस होती है, ठीक है। फिर हमने समझा कि थर्मस में प्रयुक्त कांच में क्या लगा होता है, वो क्यों उसमें खाना गर्म रहता है, तेज हवा में ओस क्यों नहीं बनती, ये बात करी। फिर हमने देखा कि जल में अगर नमक मिला देते हैं तो उसका क्वथनांक क्या हो जाता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें थी, हमने इम्प्यूरिटीज को लेकर के भी समझा था, काफी कुछ था कल का वीडियो में, तो कल के वीडियो जरूर जाके देख लीजिए। फिर हम ऊंचाई पे गए और हमने ये सब मटके का भी एग्जाम्पल देखा, जो मिट्टी का घड़ा होता है उसको देखा कि क्यों पानी उसमें ठंडा रहता है, गर्मी का क्या असर होता है। फिर हमने मानव पसीने की भी बात करी और ये हमने समझा कि प्रति घंटे 2 से 4 लीटर तक पानी निकलता है या पसीना निकलता है, ठीक है। तो यहां तक कल बातें हुई थी, अब हम धीरे आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीजों को समझते हैं। जो नए हैं बस उनको मैं इतना कहना चाहता हूं कि ये पूरा का पूरा कोर्स एनालिसिस पे है, आपके कितने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकते हैं, प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन आए हैं, इन सारी चीजों को कंपाइल करके पूरा कोर्स डिजाइन किया गया है। अगर आप रेलवेज की तैयारी कर रहे हो, आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो तो ये कोर्स आपको बहुत ही ज्यादा फायदा पहुंचाएगा। तो चलिए अब आज की बातें देखते हैं, कल तक का जो रिविजन था हमने देख लिया। तो देखिए किसी वस्तु की ऊष्मा हानि की दर को शीतलन की दर कहते हैं, समझेंगे बात को। तो अगर वो गर्म है फिर वो ठंडी हो रही है, मैंने आपको कप का एग्जाम्पल दिया था, 90 डिग्री की चाय है मैंने बात करी थी और रूम का टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस है तो क्यों चाय पीने लायक हो जाती है, तो वो वाला एग्जाम्पल है, उसी से जुड़ी हुई बात है, ठीक है। फिर आगे आते हैं, ग्रीष्म काल में जब मौसम उमस भरा होता है तब आर्द्र ऊष्मा का अनुभव होता है, ठीक है। अच्छा, शुष्कता दशा में निम्न आर्द्रता का बोध होता है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि अगर शुष्कता है तो आर्द्रता कैसी होगी, आर्द्रता वहां पे निम्न होगी, निम्न का मतलब कम होगी। आगे आते हैं, अगर आर्द्रता बढ़ रही है तो क्या होगा, वायु में ध्वनि का वेग बढ़ेगा। ये वैसे मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि अगर सर्दी बहुत ज्यादा होती है, फॉग होता है तो ध्वनि का वेग क्या होता है और रोशनी कैसी होती है, सारी बातें हमने डिस्कस करी है। अब इसको थोड़ा अलग तरीके से किस तरह से प्रेजेंट करते हैं एग्जाम्पल, तो हमने यहाँ पे देख लिया, क्योंकि आर्द्रता बढ़ने के साथ वायु के घनत्व में क्या आती है, कमी आती है। आगे आते हैं, यद्यपि ऊनी रेशे एक विशेष प्रकार के प्रोटीन से निर्मित होते हैं, ठीक है,
किंतु ऊष्मा का कुचालन इन रेशों के मध्य स्थित हवा के कारण होता है। अगर आपने क्लास सेवेंथ की एनसीईआरटी पढ़ी है साइंस की, तो वहां पे काफी कुछ दिया गया है किस तरीके से कॉटन का कपड़ा होता है, क्या उसमें होता है, ठीक है। तो वहां पे हमने बात को देखा हुआ है क्लास सिक्स की एनसीईआरटी में, सेवन की एनसीईआरटी में, कि क्यों हमें कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए गर्मियों में, और सर्दियों में वुलन कपड़े क्यों पहनने चाहिए, और क्यों वुलन कपड़े हमको गर्मी देते हैं। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं, समझे बात को। थोड़ी बहुत बातें मैं कुछ अपनी तरफ से आपको बताना चाहूंगा कि सर्दी का मौसम जैसे ही आता है तो हम गर्मी ऊनी कपड़े पहनना शुरू कर देते हैं। बात सही है, क्यों? क्योंकि ऊन ऊष्मा का कुचालक होते हैं तथा इसके रेशों के बीच बहुत सारी हवा संग्रहित हो जाती है। समझिएगा, जैसे ऊन है ना, तो उनके जो रेशे होते हैं उनके बीच हवा भर जाती है। हवा ऊन से भी अधिक ऊष्मा की कुचालक होती है, इसलिए हमारे शरीर में पैदा होने वाली ऊष्मा अधिक मात्रा में बाहर नहीं जा पाती। समझ आया? इसी वजह से हमको सर्दियों में ऊनी कपड़े पहनने से गर्मी का एहसास होता है, ठीक है। बात समझ में आ गई? चलिए फिर आगे आते हैं। फिर देखिए, हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का गुब्बारा जब पृथ्वी के स्थल पर छोड़ा जाता है तो वायुमंडल में ऊंचाई जाने पर वायु का घनत्व तो कम हो जाता है, इसलिए गुब्बारे में अमाप में वृद्धि होगी, ठीक है। तो यहाँ पे बात किसकी करी जा रही है, जो आपका जिसमें लोग बैठ के जाते हैं, पैराशूट नहीं है, ठीक है, उसे बलून ही बोलते हैं। चलिए आगे आते हैं। अब आप चाहे क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग। अगर जैसे आपके घर में फ्रिज होगी, ऑफकोर्स रूम में, किचन में, तो फ्रिज में कौन सी गैस होती है बताइए कमेंट करके। तो यहाँ से हम आगे आते हैं, बताइए का जरूर। कल मैंने आपसे ये भी पूछा था कि एसी में कौन सी गैस होती है, तो जरूर कमेंट करके बताइए। तो देखिए, रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खुला रखने पर उसमें अनेक प्रकार की गैसें निकलती हैं जो कमरे के ताप को बढ़ा देती हैं। गैस कौन सी निकलती है ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। वैसे मैं डिस्कस कर चुका हूँ पिछले वीडियोस में। आगे आते हैं, खाना बनाने के बर्तनों जैसे प्रेशर कुकर आदि में लकड़ी या एबोनाइट के हैंडल लगाए जाते हैं, क्यों? ये क्वेश्चन बनता है, समझिएगा। क्योंकि लकड़ी या एबोनाइट ऊष्मा के कुचालक होते हैं। एबोनाइट मजबूत पदार्थ होता है, मजबूत पदार्थ होता है, ठीक है, लेकिन ये इस वजह से भी लगाए जाते हैं, ऊष्मा के कुचालक होते हैं। तभी आपने नोटिस किया होगा कि अगर आप अच्छी क्वालिटी का हैंडल यूज करते हैं तो वो जल्दी गर्म नहीं होता। टूटना अलग अलग बात है, अगर टूट जाएगा तो ऑफकोर्स वो गर्म करेगा, हैंडल की वजह से गर्म होगा। ये होता है ऊष्मा का कुचालक का मतलब, समझ में आया ना? अगर जैसे आप फ्राई पैन वगैरह देखोगे तो लकड़ी का हैंडल लगा होता है, उसकी वजह से हमको वो गर्म नहीं लगता पकड़ने में, अदरवाइज आप पकड़ के दिखा तो हाथ जल जाएंगे। बात समझ में आ गई? तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो कभी ना कभी एग्जाम्स में आए हैं क्वेश्चंस, और तो और इम्पोर्टेंट है अपकमिंग एग्जाम्स के लिए भी। तो चलिए आते हैं, अब हम तरंग गति की बात करते हैं। तरंग गति क्या होता है, तरंग गति से कैसे क्वेश्चन बनेंगे, इन सारी चीजों को हम समझेंगे। तो अभी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप जरूर मुझे कमेंट करके बताइए, कोई भी किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो। देखिए, तरंग गति के से पहले आपको थोड़ा तरंग के बारे में जानना जरूरी है। तो जो मैं आपको बातें बताना चाहूंगा तो आप समझिएगा तरंग की परिभाषा क्या है। तो देखिए, जब ऊर्जा का संचरण दोलन कंपन या उतार चढ़ाव के रूप में होता है, समझे, मैं तरंग की बात कर रहा हूँ। जब ऊर्जा का संचरण दोलन कंपन या उतार चढ़ाव के रूप में होता है तो वो एक ऊर्जा दूसरे स्थान पर जाती है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है या स्थानांतरित होती है, इसे ही तरंग कहते हैं। बात समझ में आ गई? जैसे कि मैंने आपको ऊर्जा के बारे में बताया हुआ है, ना ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है ना ही बनाया जा सकता है, सिर्फ एक माध्यम से दूसरे माध्यम में पहुंचाया जा सकता है, सिर्फ ये होता है। यही चीज यहाँ पे है कि ऊर्जा का संचरण दोलन कंपन कंपन जैसे मोबाइल वाइब्रेट करता है, ठीक है, तो ये होता है, जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये स्थानांतरित करती है। अब आते हैं तरंग क्या है। तो देखिए, तरंग एक विक्षोभ या डिस्टरबेंस है, ये भी समझिएगा क्या है, विक्षोभ है या डिस्टरबेंस है, जिससे माध्यम के कण तो वास्तविक में तो गति नहीं करते लेकिन ऊर्जा का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक हो जाता है। जब तरंग किसी माध्यम में गति करती है, तो जैसे मान लो कि एक माध्यम है और इसमें ये तरंग गति कर रही है, ठीक है, तो माध्यम में कुछ दोलन उत्पन्न होते हैं, समझे, मतलब हिलना थोड़ा कह सकते हो। इन्हीं दोलनों या कंपन के कारण ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, लेकिन वास्तविक में माध्यम के कण गति नहीं करते। याद रखिएगा, ये जो माध्यम जिन कणों से बना है ये गति नहीं करते, ऊर्जा यहां से आपकी यहां तक पहुंचती है और इसी में वो अपना गति कर लेता है, कंपन कर लेता है या ऊर्जा के स्थानांतरण की वजह से वह गति कर लेता है, लेकिन कण नहीं करते, कण वहीं के वहीं रहते हैं।
अब आपको इसके प्रकार की भी अगर मैं बात कर दूं तो देखिए तरंग के कुछ प्रकार होते हैं, जैसे रेडियो तरंग हो गई, ध्वनि तरंगे हो गई, यांत्रिक तरंगे हो गई, तो ऐसी कई चीजें हैं। बात समझ में आ गई, क्लियर है? चलिए अब हम थोड़ा सा तरंग गति को भी समझ लेते हैं कि ये क्या है और कैसे काम करती है। तो आई होप आपको तरंग क्लियर है। तो देखिए तरंग गति क्या है, तो तरंग किसी माध्यम से उत्पन्न विक्षोभ है जो उद्गम बिंदु माध्यम के कणों के वास्तविक स्थानांतरण के सभी दिशाओं में संचरित करती है। कहने का मीनिंग वही है जो मैं आपको तरंग के बारे में बता रहा था, तरंग गति कंफ्यूज ना करे इस वजह से दिया आपको। तरंग गति क्या है, तरंग गति किसी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ है। विक्षोभ मैंने आपको क्या बताया, डिस्टर्बेंस, ठीक है, जो उद्गम बिंदु से माध्यम के कणों के वास्तविक स्थानांतरण के सभी दिशाओं में संचरित होता है, ठीक है, कण गति नहीं करते, ये भी याद रखिएगा। चलिए अब इसके भाग मैंने बताए, तो जैसे यांत्रिक तरंगे, विद्युत तरंगे, और भी मैंने आपको एग्जाम्पल दिए ही है, रेडियो तरंगे होती हैं, अब इनको भी देख लेते हैं ये क्या है, कैसे काम करते हैं। तो देखिए अब मैं यांत्रिक तरंगों की अगर बात करूं, यांत्रिक तरंगे क्या होती हैं, तो आपके सामने रहा ये। तो देखिए यांत्रिक तरंगे किसी भौतिक माध्यम में उत्पन्न एक विक्षोभ है। भौतिक माध्यम समझे ना, जिसको आप टच कर सकते हो, जो बनाए गए हैं, ठीक है, भौतिकतावादी ऐसे बोलते नहीं, तुम बड़े भौतिकतावादी हो। तो देखिए क्या होता है, यांत्रिक तरंगे किसी भौतिक माध्यम में उत्पन्न एक विक्षोभ है जो बिना अपना स्वरूप बदले एक माध्यम से एक निश्चित चाल से आगे बढ़ता है। यांत्रिक तरंगे किसी भौतिक माध्यम में ही संचरित होती हैं, और यांत्रिक तरंगों द्वारा केवल ऊर्जा या संवेग का संचरण होता है, द्रव्य का नहीं। बात समझ में आ गई, ऊर्जा या संवेग का संचरण होता है, द्रव्य का नहीं, जबकि जल की तरंगे, ध्वनि की तरंगे और स्प्रिंग की तरंगे इत्यादि यांत्रिक तरंगों के उदाहरण है। थोड़ा और आसान शब्दों में मैं अगर आपको बोलूं तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब किसी भौतिक माध्यम में विक्षोभ उत्पन्न होता है, मतलब डिस्टरबेंस उत्पन्न होता है, उसका स्वरूप नहीं बदलता। मतलब अगर तुम धक्का दे दो तो उसका स्वरूप नहीं बदल जाएगा। तुम्हारे सामने एक रॉड रखी है लोहे की और तुमने धक्का दे दिया तो स्वरूप नहीं बदलेगा, ठीक है। और विक्षोभ माध्यम में बिना स्वरूप बदलने या बिना स्वरूप में परिवर्तन हुए आगे स्थानांतरित हो जाता है, तो ठीक है। तो इस प्रकार के विक्षोभ या तरंग को यांत्रिक तरंग कहते हैं, ठीक है। जैसे स्प्रिंग होती है, तो अगर स्प्रिंग को दबा दो तो क्या वो अपना स्वरूप बदल देती है, नहीं बदलती। बात समझ में आ गई, तो ये क्या है आपका, यांत्रिक तरंगे, जैसे कि मैंने आपको स्प्रिंग का एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है। बात समझ में आ गई। चलिए अब हम यांत्रिक तरंगों के प्रकार को देख लेते हैं, थोड़ा सा इनके बारे में और समझते हैं। तो यहाँ आपके सामने रहे अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्ध्य तरंगे आपके सामने आएंगे। तो दो तरंगे होती हैं, जब किसी माध्यम में कोई यांत्रिक तरंग संचरित करती है तो माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। कणों के कंपन की दिशा के अनुसार यांत्रिक तरंगे दो प्रकार की होती हैं, कौन सी, जैसा कि मैंने आपको बताया, अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्ध्य तरंगे, ठीक है, ये दो रही, आप इनको लिख लीजिए। अब हम बात करेंगे अनुप्रस्थ तरंगे की, कुछ उदाहरण देखेंगे, तो बहुत ध्यान से आपको समझना है ये क्या होता है। तो देखिए अनुप्रस्थ तरंगों को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव्स, ओके, ट्रांसवर्स वेव्स। अब ये क्या है, तो देखिए जब तरंग के कण इसकी संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं तो इस प्रकार की तरंगों को अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं, ठीक है। जैसे आप इसको समझिए, जब किसी माध्यम के यांत्रिक तरंग के संचरित होने पर माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा में लंबवत कंपन करते हैं, जैसे तनी हुई डोरी या रस्सी में कंपन। आपको एग्जाम्पल देता हूँ, कपड़े टांगते हो जहां पे रस्सी बंधी होती है, एक छोर से यहां तक रस्सी बंधी होती है, अगर आप इस रस्सी को ऐसे बीच से पकड़ के घसीट दो तो आप देखोगे कि वो मूव करने लगती है, ठीक है। ये आपका अनुप्रस्थ तरंगों का एक उदाहरण है। तनी हुई डोरी होती है, आवाज भी आती है, आप गिटार को समझ सकते हो इस तरीके से, गिटार भी तनी होती है पूरी तरीके से, साउंड क्रिएट हो जाता है उससे। तो देखिए तनी हुई डोरी या रस्सी के एक सिरे को हुक से बांधकर उसके दूसरे सिरे मुक्त सिरे से हिलाते हैं तो रस्सी के इस कड़ों के कंपन तरंग की गति की दिशा लंबवत होती है। स्पष्ट है कि रस्सी में अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। बात समझ में आई, ओके। साउंड वाले एग्जाम्पल थोड़ा गलत होगा, मैं करेक्ट करूंगा उस जगह पे। देखिए अब कुछ और बातों को यहाँ पे देख लेते हैं कि पानी की सतह पर उत्पन्न तरंगे भी अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। अनुप्रस्थ तरंगे केवल ठोसों में उत्पन्न की जा सकती हैं जिनमें दृढ़ता होती है, समझिएगा। गैसों में अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न नहीं करी जा सकती। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन बन सकता है कि अनुप्रस्थ तरंगे क्या गैसों में उत्पन्न करी जा सकती हैं, तो आपका आंसर होगा नहीं, ठीक है। अब द्रवों में अनुप्रस्थ तरंगे उनके भीतर नहीं बन सकती, केवल उनके तल पर ही बन सकती हैं, ये याद रखिएगा।
आप ऐसा पिक्चर्स देख सकते हैं, आप यूट्यूब पे जाके अगर लिखोगे आपको तो मिल जाएगा ट्रांसवर्स वेव्स में किस तरीके से अंदर की ओर वो वेव करती हैं। ठीक है, थीके? तो ये याद रखिएगा, द्रव में अनुप्रस्थ तरंगे उसके भीतर नहीं बन सकती, केवल उसके तल पर, मतलब ऊपर आप दिखती होंगी जो वेव्स बनती हैं वो होती है। चलिए आगे आते हैं, अब कुछ और चीजों को यहाँ पे देख लेते हैं अनुप्रस्थ तरंगों के बारे में। तो देखिए, अनुप्रस्थ तरंगे वैद्युत चुंबकीय हो सकती हैं, जैसे प्रकाश, लाइट इसका एग्जाम्पल हो सकता है। आगे, अनुप्रस्थ तरंगों के माध्य स्थिति में ऊपर की ओर अधिकतम विस्थापन की स्थिति को क्या बोलते हैं? क्रेस्ट बोलते हैं, क्रस्ट को हिंदी में बोलते हैं श्रंग, तथा नीचे की ओर अधिकतम विस्थापन की स्थिति को गर्त बोलते हैं, जिसे ध्रुव बोलते हैं। ठीक है, किसी तरंग के लिए दो लगातार श्रृंगों या गर्तों के बीच की दूरी नियत होती है, जिसे अनुप्रस्थ तरंगों की तरंग दैर्ध्य कहते हैं। क्या? अनुप्रस्थ तरंगों की तरंग दैर्ध्य कहते हैं, ये याद रखिएगा। तो किसी तरंग के लिए दो लगातार श्रृंगों या गर्तों के बीच की दूरी नियत होती है, जिसे अनुप्रस्थ तरंग की तरंग दैर्ध्य कहते हैं, और तरंग दैर्ध्य भी मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं। अब हम बात करेंगे अनुदैर्ध्य तरंगों की। तो क्या होते हैं अनुदैर्ध्य तरंग? तो देखिए, ऐसी तरंग जिसके माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में कंपन करते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो ये आपकी स्प्रिंग है, ठीक है, ऐसी स्प्रिंग होती है। माई ड्रॉइंग इज नॉट सो गुड, तो थोड़ा समझिएगा। तो ये जो अगर आप इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करते हो तो इनके बीच में उत्पन्न जो तरंग होती है, ठीक है, तो ये आपका क्या होगा? आपकी अनुदैर्ध्य तरंग होगी। एग्जाम्पल के तौर पे आप इसे समझ सकते हैं। थोड़ा और इसको देख लेते हैं। तो किसी माध्यम में यांत्रिक तरंग के संचरित होने पर यदि माध्यम के कण संचरण की दिशा में समानांतर कंपन करते हैं तो उस तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। जैसे स्प्रिंग को खींचकर छोड़ देने पर उसके उत्पन्न अनुदैर्ध्य तरंग ही होती है, और जिस स्थान पर स्प्रिंग के चक्कर पास पास होते हैं तो वहां पे क्या होता है सर? वो स्थान संपीड़न की दशा में होता है। संपीड़न को इंग्लिश में बोलते हैं कंप्रेशन। क्या? कंप्रेशन बोलते हैं, ठीक है, या इसे कंप्रेशन की दशा भी आप कह सकते हैं। तथा जिन स्थानों पर चक्कर दूर दूर होते हैं, क्योंकि खींचोगे तो कहीं से खिंचाव आ जाता है, वह स्थान विरलन, जिसे रेयरफैक्शन की दशा कहते हैं। क्या बोलते हैं? विरलन। तो जहां अगर पास पास है तो आप उसे क्या बोलोगे बताइए? उसे बोलोगे आप संपीड़न। तो यहाँ पे क्वेश्चन याद रखिएगा, अनुदैर्ध्य तरंग की डेफिनेशन नहीं पूछेगा। आपके सामने हो सकता है एक पिक्चर के तौर पे ऐसे स्प्रिंग दे दे और कह दे कि जहां पे ये पास है इसे क्या बोलेंगे, और जब ये यहाँ पे दूर है तो इसे क्या बोलेंगे। तो अगर पास पास है तो आप उसे बोलेंगे संपीड़न, कंप्रेशन, और जब दूर दूर है तो उसे रेयरफैक्शन या फिर विरलन बोलेंगे। बात समझ में आ गई? चलिए, एक संपीड़न से दूसरे समीवर्ती संपीड़न की दूरी अथवा एक विरलन से दूसरे समीवर्ती विरलन की दूरी अनुदैर्ध्य तरंग की तरंग दैर्ध्य कहलाती है। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं। अनुदैर्ध्य तरंगे कहाँ कहाँ उत्पन्न करी जा सकती है, क्वेश्चन बनता है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। जैसे कि हमने जान तो लिया कि अनुदैर्ध्य तरंग कहाँ कहाँ बनती है, तो देखिए अनुदैर्ध्य तरंगे सभी माध्यमों में बदलती है। कौन कौन से माध्यम हो सकते हैं? ठोस, द्रव, गैस, ठीक है, तो ये उनका उत्पन्न किया जा सकता है उनको। और वायु में उत्पन्न ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे ही होती हैं, और अनुदैर्ध्य तरंगे हमेशा यांत्रिक होती हैं, और ऑफ कोर्स हम ये सब चीजें डिस्कस कर चुके हैं। द्रवों की सतह पर अनुप्रस्थ तरंगों का संचरण होते हुए उनके भीतर केवल अनुदैर्ध्य तरंगे ही संचरित होती है, ये पॉइंट आपको याद रहना चाहिए हमेशा। क्या? कि द्रवों की सतह पर अनुप्रस्थ तरंगों का संचरण होते हुए भी उनके भीतर केवल अनुदैर्ध्य तरंग ही संचरित हो सकती है। आई होप क्लियर है ये पॉइंट आपको। अब हम आवर्तकाल की बात करेंगे। वैसे तो मैं आपको समझा चुका हूँ आवर्तकाल क्या होता है, आवृत्ति क्या होता है, रिकॉल करा रहा हूँ आप कुछ बातें देखी थी, और हमने बोला था कि ऐसा ऐसा होगा, एक ये और यहाँ पे ऐसे धागा लटका है और ये एक बॉल लटकी है, अब ये यहाँ आएगा और ऐसे जाएगा, इसको ये पूरा कवर करेगा। ठीक है, तो आवर्तकाल क्या बना? जब किसी माध्यम से तरंग संचरण की स्थिति के माध्यम का कोई कण अपना एक कंपन पूरा करने में जितना समय लेता है उसे तरंग का आवर्तकाल कहते हैं। ठीक है, और आवर्तकाल को हिंदी में आवर्तकाल को क्या कितना होता है ये क्वेश्चन बन सकता है, और आवर्तकाल को टी से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आवर्तकाल के बारे में, और कैसे पिक्चर मैंने आपको बताई दी है, और उसी पिक्चर के हिसाब से आपको ये याद रखना है, तो आप कभी कंफ्यूज नहीं करेंगे। बात समझ में आ गई? चलिए अब और थोड़ा सा अगर और बोलूं तो थोड़ा आसान भाषा में, तो किसी तरंग द्वारा एक तरंग दैर्ध्य की दूरी तय करने में जितना समय लगता है उस समय को उसका
क्या बोलते हैं? आवर्त काल कहते हैं। बात समझ में आ गई? पक्का। अर्थात तरंग दैर्ध्य द्वारा एक तरंग दैर्ध्य की दूरी को तय करने में लगा समय आवर्त काल होता है। अब हम आवृत्ति की बात करते हैं। आवृत्ति को इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, और आवर्त काल को बोलते हैं टाइम पीरियड। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो फ्रीक्वेंसी होती है एक सेकेंड में कण द्वारा कंपन या तरंग दैर्ध्य की संख्या को बोलते हैं क्या? फ्रीक्वेंसी या फिर आवृत्ति। बात समझ होगी? एक सेकेंड में कण द्वारा कंपन या तरंग दैर्ध्य की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी तरंग में एक कण 1 सेकेंड में 60 कंपन या दोलन करता है, तो उस तरंग की आवृत्ति 60 होगी। ठीक है, तो किसी माध्यम में तरंग संचरित होने पर माध्यम को कोई कण 1 सेकेंड में जितने कंपन करता है, उस संख्या को तरंग की आवृत्ति कहते हैं, जिसे एन से प्रदर्शित। भाई चलिए फिर आगे आते हैं। अब आवृत्ति चाल तथा तरंग दैर्ध्य में संबंध, तो जैसे कि तरंग दैर्ध्य ऑफ कोर्स आप कई बार समझ चुके हैं, और अगर थोड़ा सा बोल दूं तो देखिए तरंग दैर्ध्य बेसिकली क्या होता है। जब कोई तरंग कंपन या दोलन करती है, तो एक दोलन या कंपन होने में जितनी दूरी तय कण तय करता है, उसे दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो आप इसको ऐसा समझ सकते हो, ये एग्जाम्पल है आपका। ठीक है, इसे इंग्लिश में वेवलेंथ बोलते हैं। यहां से ये जो दूरी बनती है इतनी, ये वेवलेंथ बनती है, तो ऑफकोर्स ये थ्रू होगा। ठीक है, और ये जो शेप बन रही है ना, आपको ऐसा दिख रही है, तो मैंने आपको ऊपर एक वर्ड दिया था क्रेस्ट, याद है? ध्यान दिया हो अगर आपने, वैसे ध्यान दे लिया करो, क्रेस्ट बोलते हैं ये जो बनता है, और ये जो दूरी है ये आपकी तरंग दैर्ध्य या आपकी वेवलेंथ बनती है। ठीक है, पक्का? चलिए और थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यदि कंपन करती हुई किसी वस्तु का आवर्त काल टी, आवृत्ति एन और तरंग दैर्ध्य आपका ऐसा हो, तो तरंग की चाल वी इक्वल टू एन तरंग दैर्ध्य होगी। ठीक है, चाल बराबर आवृत्ति गुणे तरंग दैर्ध्य, इसका सूत्र बनेगा जो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अब और भी कुछ चीजों को डिस्कस कर लेते हैं। अब विद्युत चुंबकीय तरंगे आ चुकी हैं आपके सामने। अब ये विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है, ये क्वेश्चन कैसे बनाती हैं, आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर आपके सामने कैसे क्वेश्चन रखेगा, तो ऐसी बहुत सारी चीजें आने वाली हैं। तो अभी आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे बताइए, फिर हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। बताइए कोई भी क्वेश्चन। देखिए सबसे आसान भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं, तो जिन तरंगों को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। अर्थात विद्युत चुंबकीय तरंग निर्वात में संचरित होती हैं या हो जाती हैं। समझे बात को? तो यांत्रिक तरंगों के अतिरिक्त ऐसी तरंगें भी होती हैं, जैसे यांत्रिक तरंगों के लिए आपको माध्यम की आवश्यकता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए आपको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ऐसी तरंगों को विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। प्रकाश, एक्स किरणें, एक्सरे जिसे बोलते हैं, रेडियो तरंगे इत्यादि विद्युत चुंबकीय तरंगों के उदाहरण हैं। बात समझ में आ गई? अंतरिक्ष वगैरह में भी इनको यूज किया जाता है, अंतरिक्ष में संचार के लिए बात करी जाए तो इन्हीं का यूज करते हैं। दूसरी बात बोलूं तो विद्युत चुंबकीय तरंगे प्रकाश के वेग से गति करती हैं। समझे क्या? विद्युत चुंबकीय तरंगे प्रकाश के वेग से गति करती हैं, इनकी चाल प्रकाश की चाल के बराबर होती है, तथा ये तरंगे फोटोन से मिलकर बनी होती हैं। क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे किससे मिलकर बनी होती हैं, तो सर जी ये फोटोन से मिलकर बनी होती हैं। यहाँ पे एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है मैक्सवेल, तो उन्होंने बताया कि हमारी प्रकृति में एक तरंग ऐसी पाई जाती है जिसमें चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र विद्यमान होता है, और दोनों समय के साथ परिवर्तित होते रहते हैं, अर्थात दोनों में ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे एक दूसरे के कारण उत्पन्न हो रही है, इस तरंग को ही विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। तो ये अगर डेफिनेशन एक बनती है तो वैसा बन सकता है कि प्रकृति में एक ऐसी तरंग होती है जिसमें चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों विद्यमान होता है, या फिर ऐसी तरंगे जिसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों विद्यमान हो, जो दोनों समय के साथ परिवर्तित होते रहें और दोनों आपस में व्यवहार ऐसा करें जैसे एक दूसरे के कारण उत्पन्न हुई हो, तो ऐसी किरणों को क्या बोलते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। बात समझ में आ गई? इंग्लिश में से बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बात समझ में आ गई? अभी यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बताओ।
इनके कुछ गुण हैं, उनको भी मैं अभी आपके सामने डिस्कस कर देता हूँ, लेकिन पहले कुछ बातें हैं। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंग दैर्ध्य परिसर बहुत विस्तृत होता है। इनका परिसर 10^-14 मीटर से लेकर 10^4 मीटर तक होता है। और विद्युत चुंबकीय तरंगों का विवरण निम्नलिखित है। तो ऑफकोर्स गामा किरणें वो सब हम अभी समझेंगे। मैं आपको इनके कुछ गुण बता देता हूँ, दिमाग में रखिएगा जितने भी हैं इनसे लेकर के। तो सबसे पहली चीज, इन तरंगों पर कोई आवेश विद्यमान नहीं होता, ठीक है। आवेश को इंग्लिश में गुस्सा भी बोलते हैं, इनको उदासीन तरंग कहते हैं, समझे। तो जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं ये उदासीन होती हैं, ये याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे आते हैं, इन तरंगों में विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र दोनों होते हैं, जो कि मैंने अभी अभी आपको बताया, तो रिकॉल करा रहा हूं पूरा। अगला आते हैं, ये अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, अर्थात इन तरंगों का दोलन संचरण की दिशा में लंबवत होता है। विद्युत चुंबकीय तरंगे प्रकाश के वेग से संचरित करती हैं, बात समझे, अभी मैंने आपसे बोला, ठीक है, प्रकाश की चाल के बराबर इनकी चाल होती है। इन तरंगों में संवेग ऊर्जा दोनों निहित होती है। उदाहरण के तौर पे जो मैंने आपको भी बताया, एक्सरेज वगैरह इसके एक उदाहरण है, एक्सरेज, रेडियो तरंगे आदि इसके उदाहरण है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर है, कैसे क्वेश्चन बनता है, एग्जामिनर कैसे पूछता है, ये सारी बातें हमने डिस्कस कर ली। अब हम आगे आते हैं और अब हम गामा किरणों को समझते हैं कि गामा किरणें क्या हैं, गामा किरणें कैसे काम करती हैं। थोड़ा बहुत जानना है, ज्यादा कुछ जानने की जरूरत है नहीं। तो देखिए, आपके सामने आया गामा किरणें। तो गामा किरणें ये अत्यंत लघु तरंग दैर्ध्य की विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। इनका तरंग दैर्ध्य परिसर 10^-14 से 10^-10 मीटर तक होता है। तो ये याद रखना है गामा किरणों के बारे में। तरंग दैर्ध्य बहुत कम होने के कारण इन किरणों में ऊर्जा बहुत अधिक होती है। अगेन अ पॉइंट टू रिमेम्बर, तो तरंग दैर्ध्य इनका बहुत कम होता है और किरणों में अत्यधिक ऊर्जा होती है, जिससे लोहे की चादरों को पार कर जाती है, बात समझिएगा। अब एक्सरेज, यस दिस इज इंपॉर्टेंट। सबसे पहली चीज, एक्सरेज की खोज किसने करी थी? तो ये की थी आपकी विलहेम रोएंटजेन ने, ठीक है, या इसे विलियम रोएंटजेन भी बोलते हैं, इन्होंने करी थी। और इसकी तरंग दैर्ध्य 10^-3 × 10^-8 मीटर होती है, बात समझ में आ रही है? और कोई क्वेश्चन यहाँ तक बताओ। वैसे एक्सरे की इम्पोर्टेंट और भी ज्यादा है, एक्सरे की काफी बार, कई बार पूछा जाता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन, जो कि बनता रहता है, और मेरा मानना है कि आपको पता होनी चाहिए। तो मैं आपको कुछ बातें और इसके बारे में बता देता हूँ। जैसा कि मैंने इसकी तरंग दैर्ध्य लिखी हुई है, 10^-3 × 10^-8 मीटर तक होती है, और इन किरणों का उपयोग कहाँ? चिकित्सा व औद्योगिक क्षेत्र में बहुत किया जाता है, ठीक है। अच्छा, ये इतनी शक्तिशाली होती है कि जब कोई तीव्र इलेक्ट्रॉन पुंज एक उच्च गलनांक या उच्च परमाणु भार वाले पदार्थ पर गिरता है, तो इससे जो किरणें उत्सर्जित होती हैं वह कई बार नुकसान भी कर सकती हैं। मतलब देखो, सिंपल सी बात मैं आपको ये कह सकता हूँ कि उत्पन्न कैसी होती है कि तीव्र इलेक्ट्रॉन पुंज उच्च गलनांक व उच्च परमाणु भार वाले पदार्थ पर गिरता है, तो जो किरणें उत्पन्न होती हैं वो एक्सरेज होती हैं। एक्सरेज कई बार नुकसान भी कर जाती है, अगर आप ज्यादा, मतलब अगर नए बंदे के हाथ में लगा दो ना, तो ये नुकसान भी कर जाती है। तभी इनको सॉफ्ट एक्सरेज और हार्ड एक्सरेज भी बोला जाता है, या इनको बोलूं कि इनको डिवाइड किया गया है दो जगह पे। जैसा कि मैंने आपको बताई दिया कि इनकी खोज विलियम रोएंटजेन ने की थी, कब की थी? 1895 में करी थी, ठीक है। अच्छा, इन्होंने यह आविष्कार अपनी प्रयोगशाला में कैथोड रे ट्यूब पर कार्य करते हुए किया था, इसलिए कभी एक्स किरणों को रोएंटजेन किरणें भी कहते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन अगेन बनता है कि आपका रोएंटजेन किरणें क्या है, रोएंटजेन रेज क्या है? तो वो आपकी एक्स रेज ही है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अब जैसे मैंने इसके आपके टाइप बताए ना, दो टाइप बता दिए, एक मैंने आपको सॉफ्ट बताया और एक आपको हार्ड बताया। तो अगर मैं सॉफ्ट के बारे में बात करूं, तो ऐसी किरणें जिनमें भेदन क्षमता कम होती है, जो केवल कोमल पदार्थों को ही भेदने का काम करती हैं, तो उनमें एक्स सॉफ्ट किरणें यूज होती हैं, या फिर कोमल एक्स किरणें यूज करी जाती हैं। कठोर की बात करी जाए तो भेदन क्षमता बहुत ज्यादा होती है, बस इतना ही इसके लिए बहुत है। बाकी बातें मैंने आपको बता ही दी है, कहाँ कहाँ इनका यूज होता है, इनकी तरंग दैर्ध्य कितनी होती है, ये सारी चीजें। कुछ उपयोग बता देता हूँ एक्सरेज के बारे में, इंपॉर्टेंट है। तो रेडियोग्राफी में इसका यूज किया जाता है। दूसरा, किसी भी क्रिस्टल की संरचना अध्ययन एक्स किरणों की मदद से की जाती है। चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा महत्व है इसका। रोगों की जांच करना, निदान एक्स किरणों की सहायता से किया जाता है। तो ऑफकोर्स चिकित्सा क्षेत्र में इंपॉर्टेंस की बहुत ज्यादा बन जाती है। प्रयोगशाला में भी विभिन्न प्रकार के प्रयोगों में इन किरणों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। बात समझ में आ गई? यहां तक एक एक पॉइंट आप याद रखिएगा, ये याद रखिएगा, ठीक है।
अब हम आते हैं पराबैंगनी किरणों के बारे में और इनको डिस्कस करते हैं कि पराबैंगनी किरणें क्या है, कैसे यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, एग्जामिनर आपके सामने क्या क्या रख सकता है, तो इन सारी बातों को अब डिस्कस करते हैं। तो ये रहा आपके सामने पराबैंगनी किरणें। देखिए, इस विकिरण की खोज किसने करी थी, वो करी थी जोहान रिटर ने। किसने? जोहान रिटर ने। जोहान रिटर कहाँ के थे? तो सर जी ये जर्मनी के थे। ओके, इन तरंगों की तरंगदैर्ध्य 10^-8 से 4×10^-7 मीटर तक होती है। ये तरंगदैर्ध्य सूर्य के प्रकाश, वैद्युत विसर्जन, निर्वात, स्पार्क आदि में उत्पन्न होती है। अक्सर आपने देखा होगा कि जब ओजोन लेयर का नाम आता है तो बोला जाता है अल्ट्रा वायलेट रेज आ रही है। हमारा लैपटॉप बनता है, हमारा लैपटॉप की जो स्क्रीन है, या फिर उसे भी बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट वेव से इसको बचाओ, सूरज की किरणों अल्ट्रा वायलेट वेव से रेज से इन्हें बचाओ, ऐसी चीजें बात करी जाती है। या इसको कभी कभी आपने सुना होगा यूवी रेज भी बोला जाता है। अब यूवी रेज इन्हें नहीं पता, उनको मैं बता दूं ये अल्ट्रा वायलेट है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अच्छा, आपको क्या पता है कि जो पराबैंगनी किरणें होती हैं, हम सोचते हैं तो हमेशा नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, लेकिन ये जीवन सहायक भी होती हैं, क्योंकि इनकी जो तरंग दैर्ध्य होती है ना वो कम होती है, 300 नैनोमीटर के आसपास भी ऐसा बोला जाता है कि होती हैं। ठीक है, अच्छा अब कुछ और बातें। जहां तक वातावरण में ओजोन की उपस्थिति नहीं होगी, वहां सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर पहुंचने लगेंगे। ये किरणें मनुष्य के साथ जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के लिए भी बहुत हानिकारक हो सकती हैं। ओजोन पृथ्वी में 60 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है और वायुमंडल का क्षेत्र स्ट्रेटोस्फीयर कहलाता है। तो देखो, ऐसा नहीं है कि एकदम से नुकसान ही करेगा। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है कि देखो, हर चीज की इंपॉर्टेंस होती है जिंदगी में। अगर कोई ये बोले कि कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी नहीं है, मतलब मैं इसको प्रूव नहीं कर रहा, वैसे तो ऑफकोर्स नुकसान करती है यूवी रेज, लेकिन इंपॉर्टेंस इसकी फिर भी है। अब देखो, ओजोन लेयर लग गई तो इसका मतलब ही नहीं कि अल्ट्रा वायलेट रेज आएंगी ही नहीं, वो कम आएगी। क्या समझे? वो कम आएगी। क्लियर हुआ? अब जैसे तुम बोल दो कि हम ऑक्सीजन लेते हैं, तो हमारी बॉडी ऐसी बनी है कि हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, लेकिन अब ऐसा तो नहीं कह सकते ना कि कार्बन डाइऑक्साइड हम इनहेल करते ही नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन लेते हैं, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं हुआ। क्योंकि जो हमारा कह सकते हैं कि जो हमारा टेम्प जिस वातावरण में हम रह रहे हैं, उस वातावरण में सीधी सी बात है कि सारी गैसें हैं। तो ये कहने का मतलब था मेरा, बात समझ में आ गई? तो इसको ये मत लेना कि नहीं आप तो कह रहे हो सर फायदा करती है, फायदा मतलब कहीं ना कहीं उसकी इंपॉर्टेंस है। ऐसा क्वेश्चन बना नहीं है, बनता नहीं है, बट है थोड़ी सी, बहुत ज्यादा नहीं। ठीक है, लेकिन ऑफकोर्स वहां पे ओजोन लेयर होती है, वो हमको प्रोटेक्ट करती है, तो वो आपके लिए जीवन सहायक मानी जाती है। ठीक है, ओजोन लेयर आपके लिए जीवन सहायक मानी जाती है पराबैंगनी किरणें में। बात समझ आ गई? अब इसका यूज और कहाँ कहाँ पे होता है, तो देखिए अदृश्य लिखाई कोडिंग डिकोडिंग में इसका यूज किया जाता है, स्पेशली जब रॉ वगैरह में बात करी जाए, इन जो आपके जो निशान होते हैं उंगली वगैरह के, उसको पता लगाने में, खाद्य पदार्थों के संरक्षण में भी आपका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए बात वही आ गई ना कहीं इसकी आवश्यकता है, खाद्य पदार्थों में यूज हो रहा है। अब कितना आ रहा है, वैसे तो जैसे हम खाना खाते हैं तो ज्यादा खा लेंगे तो वो भी तो नुकसान ही करेगा हमको। बात समझ में आ रही है ना क्या कह रहा हूं मैं? तो ये चीजें हैं। चलिए फिर आगे आते हैं और भी चीजों को समझते हैं। दृश्य विकिरण क्या है, दृश्य विकिरण को देख लिया जाए। तो देखिए बात आती है यहाँ पे ऐसी कि इस विकिरण को हम अपनी आंखों में देख सकते हैं। ठीक है, और इनका जो तरंग दैर्ध्य है परिसर 4×10^-7 से 7.8×10^-7 मीटर तक होता है। तो ये आप इसे कहीं पे लिख लीजिए। दृश्य विकिरण में परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, दृष्टि संवेदन इत्यादि गुण पाए जाते हैं। अब ये पॉइंट जिसे भी नहीं पता है वो पिछले वीडियो जाके देख लें, कौन कौन से 7, 8 जाके देख लें, तो आपको ये सब पता चल जाएगा क्या क्या होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे आपकी अवरक्त किरणों की। अवरक्त किरणों के बाद और भी चीजों को डिस्कस करते हैं। तो देखिए बात करिए अवरक्त किरणों की, तो इनकी तरंग दैर्ध्य 10^-7 -3 मीटर तक होती है। कहां से कहां तक? 7.8 × 10^-7 मीटर से 10^-3 मीटर तक होती है। और इसकी खोज की थी खगोल शास्त्री विलियम हर्शल ने, ये याद रखिएगा, ये बहुत पूछे जाते हैं और ये सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे मैं एवरग्रीन जी के बोलता हूँ। ठीक है, अच्छा, और इनका तरंग दैर्ध्य परिसर बता दिया मैंने। इन किरणों की वेधन शक्ति अत्यधिक होती है, ये घरे
कोहरे तथा धुंध के पार भी निकल जाती हैं। युद्ध काल में इनका प्रयोग दूर दूर तक सिग्नल भेजने में किया जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। दूसरा, इसका उपयोग होता है मांसपेशियों की जकड़न में, तो इसके अवरक्त थेरेपी होती है, जिसे इन्फ्रेड रेस बोलते हैं। ठीक है, तो वहां पे भी यूज किया जाता है। रिमोट कंट्रोल और हरित गृह प्रभाव में भी यह काम आती है। ठीक है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, अमोनियम, मीथेन के अणुओं के द्वारा अवशोषित हो जाती हैं। तो अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि अवरक्त किरणों को कौन अवशोषित करता है, तो वह कौन करता है? वह करता है आपका जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनियम, मीथेन। चलिए अब आगे आते हैं, माइक्रोवेव्स की बात कर लेते हैं। माइक्रोवेव्स क्या है? तो देखिए, यहाँ पे आई इनकी तरंग दैर्ध्य। सबसे पहले तो इनकी तरंग दैर्ध्य होती है आपकी 1×10^-3 मीटर से 10^-1 मीटर तक। ठीक है, चलिए। उसके अलावा रडार उपग्रहों, लंबी दूरी के बेतार संचरण तथा माइक्रोवेव ओवन में इनका प्रयोग किया जाता है। ये आपके क्या हो गई? सूक्ष्म तरंगे हो गई। इससे ज्यादा इसके बारे में ज्यादा जानना जरूरी नहीं है। हाँ, अब इनका एक चीज बन जाती है कि माइक्रोवेव बनती कहाँ पे है, तो इनका उत्पादन क्लिस्ट्रॉन और मैग्नेट्रॉन उपकरण से होता है। ये जरूर याद रखिएगा, मैं आपको बता देता हूं, दोबारा से इसे लिख लीजिए। इसका उत्पादन क्लिस्ट्रॉन और मैग्नेट्रॉन से होता है। ठीक है, चलिए अब बात करी जाए रेडियो तरंगों की, जिसे हम बोलते हैं रेडियो वेव्स। अब ये क्या है, इनको भी देखते हैं, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तो ये रहा आपके सामने। सबसे पहले इनके तरंग दैर्ध्य की बात कर लेते हैं। इनका तरंग दैर्ध्य कितना होता है? तो देखिए, रेडियो तरंगों का तरंग दैर्ध्य होता है 1×10^1 मीटर से 1×10^4 मीटर। ठीक है, इसको ऐसा भी बोल दिया जाता है, 100 किलो से 3 मीटर तक भी इसको बोल दिया जाता है। ठीक है, चलिए, क्योंकि मीटर ही लिखा है। आगे आते हैं, रेडियो तथा टीवी प्रसारण में रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। ओके, दीर्घ बात समझ आ गई यहाँ तक? कोई क्वेश्चन हो तो बताओ पक्का। इन तरंगों का उत्पादन एलसी दोलन परिपथ में होता है, एलसी दोलन परिपथ में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, एलसी दोलन परिपथ। फिर आगे आते हैं, थोड़ी कुछ बातें और हैं, इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी के आयन मंडल, आयनोस्फीयर जिसे बोलते हैं, से परिवर्तित होती है, और यह मंडल 80 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य स्थित होता है। यह की हवा विद्युत अवशोषित होती है, बात समझे? चलिए आगे आते हैं, फिर और भी कुछ बातों को डिस्कस करते हैं एग्जाम के नजरिए से। अक्सर क्वेश्चन यहाँ से आते ही रहते हैं। आई होप आपको पसंद आ रहा है भाई, वीडियो लाइक करते जाओ और समझ में आता जा रहा है कि किस तरीके से क्वेश्चन बनता है। अभी तक जितने भी मेरे वीडियोस देखे हैं, जैसे 9वां वीडियो है, तो आप लोग एक चीज बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे कि हमें मास्टर नहीं बनना है चीजों में, है ना, हमें बस जानना है, थोड़ा बहुत जानना है, समझना है, ये जानना है कि क्वेश्चन कैसे बनता है, दैट्स इट। इतना कर लिया, काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए बिल्कुल आखिरी में आ चुके हैं, इनको देख लेते हैं, आज के लिए इतना ही रखेंगे। तो ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए किसी ना किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, याद रखिएगा। और बाकी जो मैंने आपको बताई थी, कौन सी रेस याद करो, अभी कुछ बताई थी, चुंबकीय है, तो वो आपकी, उसको किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती। ध्वनि तरंगे निर्वात या शून्य में गति नहीं कर सकती, यही कारण है कि चंद्रमा पर ध्वनि तरंगों का संचरण नहीं होता। यहाँ वहां दो व्यक्ति एक दूसरे की बातों को सुन नहीं सकते, ये याद रखिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, चंद्रमा पर दो व्यक्ति आपस में क्यों नहीं सुन सकते? क्योंकि वहां निर्वात होता है, और निर्वात में या शून्य में ध्वनि तरंगे संचरण नहीं कर सकते, इसलिए। ठीक है, तरंग संचरण दो प्रकार का होता है, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य, मैं आपको समझा चुका हूँ। अब हम क्रिस्टलिकीग्राफी या क्रिस्टेलोग्राफी देख लेते हैं। तो क्या है यह मणि विज्ञान? एक प्राय क्या होता है? तो देखिए, एक प्रायोगिक विज्ञान है जिसमें क्रिस्टलों में परमाणुओं के विन्यास का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि पढ़ाई करी जाती है, अध्ययन किया जाता है। ठीक है, एक्स किरणों के विवर्तन द्वारा क्रिस्टलों की संरचना का अध्ययन किया जाता है। बस इतना समझना जरूरी है कि क्रिस्टलों की संरचना का अध्ययन किससे किया जाता है, तो वो किया जाता है आपका एक्स रेज से। यहां तक हो चुका है, किसी को कुछ पूछना है तो बताओ पक्का। अब हम जब कल आएंगे, तो कल हम आपको अवरक्त किरणों को थोड़ा अच्छे से बताएंगे, वहां पे हम यूए किरणें, ऑफकोर्स अल्ट्रावायलेट वेव्स की बात करेंगे थोड़ा और भी, और ये देखेंगे और भी क्या क्या इसमें होता है, बेसिकली नैनोमीटर से रिलेटेड चीजों को समझेंगे। फिर हम यूवीबी किरणों को देखेंगे, और इनका प्रयोग काफी होता है, काफी ज्यादा, जैसे आजकल टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है तो प्रयोग काफी किया जाता है। फिर यूवीसी किरणों का, यूवीबी काफी कॉमन है,
इसको यूज किया जाता है आपकी बेसिकली अंतरिक्ष वगैरह में थोड़ा सा, फिर यूवीसी आएगा, फिर माइक्रोवेव जरूर को थोड़ा सा और समझेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, अब कल कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दो, मिलते हैं कल, टिल देन गुड नाइट।